Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello students, welcome to your YouTube channel Gyandaini online class. आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध. ठीक है, रक्त संबंध में इस टॉपिक की डिमांड आ रही थी कि सर रक्त संबंध जो है वो विस्तार पूर्वक कराना. तो आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो ब्लड रिलेशन का रक्त संबंध का रहने वाला है. इसमें तीन प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं. टाइप फर्स्ट में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि जैसे किसी व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए या किसी तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राम ने श्याम से कहा, ये आपके टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन होते हैं. टाइप सेकंड में क्या होता है, टाइप सेकंड में इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं जैसे कि ए बी का पिता है, बी सी की माँ है, सी डी का भाई है. इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो आपके आते हैं टाइप सेकंड में. और टाइप थर्ड में किस तरीके के आते हैं, टाइप थर्ड में आते हैं कोडेड रिलेशनशिप, यानी कि उसमें आपको कोड करके देता है रिलेशनशिप को. जैसे कि ए इंटू बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए डिवाइड बी का अर्थ है ए बी की माता है. कुछ लोग कहते हैं कि सर हमें थर्ड टाइप के क्वेश्चन में बहुत प्रॉब्लम आती है, समय भी बहुत लगता है. तो आप 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन का आंसर निकालोगे, वीडियो को पूरा देखें. आज का हमारा टॉपिक जैसे कि आपके सामने है ब्लड रिलेशन. ये टॉपिक आपका एसएससी में रिलेशनशिप, अगर आपने सिलेबस देखा होगा उस नाम से भी रिलेशनशिप, तो ये वही है ब्लड रिलेशन. ठीक है, अब आते हैं टाइप फर्स्ट की ओर. टाइप फर्स्ट से आने से पहले इस टॉपिक का बेसिक है, हम बेसिक को क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि किसी भी टॉपिक का बेसिक उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि हमें जीने के लिए सांस लेना. अगर हम बेसिक नहीं समझेंगे तो फिर क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे. ठीक है, टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं. एक तो हम उसको डायग्राम बना के कर सकते हैं, एक ऑरली से अच्छे से कर सकते हैं मौखिक रूप से. ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं चित्र कैसे बनेगा, आई यानी कि मैं, मैंने अपने आप को यहाँ कंसिडर कर लिया, अपनों से एक पीढ़ी ऊपर को मैं, जो अपने से एक जनरेशन अप है उनको ऊपर शो करूंगा, अपने से एक पीढ़ी बड़े ऊपर शो में. जैसे कि अपने से एक पीढ़ी बड़े कौन कौन हो गए, जैसे पापा मम्मी बुआ मामा मामी. ठीक है, ये सब आपके जो है वो एक पीढ़ी बड़े हैं, तो इनको ऊपर शो किया जाएगा. अपनों से एक पीढ़ी छोटे वो नीचे शो होंगे. एक पीढ़ी छोटे में कौन कौन आ गए, जैसे कि बेटा बेटी भतीजा भतीजी भांजा भांजी, ये अपने से एक जनरेशन छोटे हैं तो इनको नीचे शो किया जाएगा. और जो सेम जनरेशन के हैं उनको बराबर में शो करेंगे. सेम जनरेशन कौन कौन हो गए, जैसे कि आपके आपके जितने भी रिलेशन में भाई या बहन है. ठीक है, वो सगे हो चाहे चचेरे हो मेरे दहेरे जीजा साली साला, ये सब आपके सेम जनरेशन के हैं तो इनको बराबर में शो किया जाएगा. ठीक है, अब दादा दादी को आप कहोगे कि वहां वो कौन कहां पे शो करेगा. अगर आपने यहाँ पे अपने आप को कंसीडर किया है तो दादा को अगर शो करना है तो एक पीढ़ी ये तो हो गई, कौन सी ये जनरेशन हो गई पिता वाले, इससे एक पीढ़ी यानी कि सेकंड जनरेशन, ये फर्स्ट जनरेशन ये सेकंड जनरेशन, ये आपकी जनरेशन हो गई. ठीक है, तो यहाँ पे शो किया जाएगा. ठीक, चलो मेल को जब भी आप चित्र बनाओगे तो मेल को इंडिकेट किया जाएगा किससे, सॉरी पुरुष को जो इंडिकेट किया जाएगा, मेल को जो इंडिकेट किया जाएगा पुरुष को वो इंडिकेट किया जाएगा आपका प्लस से, और फीमेल को यानी कि महिला को जो इंडिकेट किया जाएगा वो कौन से साइन से इंडिकेट किया जाएगा, जी माइनस से इंडिकेट किया जाएगा. ठीक है, सारे के सारे रिलेशन हम सिंगल लाइन से जोड़ेंगे, लेकिन एक रिलेशन जो है यानी एक प्लस है और बीच में डबल लाइन है और माइनस है, तो ये जो रिलेशन कहलाएगा ये कहलाएगा आपका पति और पत्नी का रिलेशन. ये किस किस का कहलाएगा, पति और पत्नी का रिलेशन. बाकी सारे रिलेशन सिंगल लाइन से हैं लेकिन ये डबल लाइन से. आप ऐसा क्यों है कि ये डबल लाइन से क्यों है, तो ये रिलेशन एक ऐसा रिलेशन है कि अगर ये टूट गया तो फिर घर के घर परिवार के परिवार टूट जाते हैं, इसलिए शायद इसको डबल लाइन से शो किया गया. ठीक, अब इसके बेसिक में ये चीज क्या आएगी, कुछ वर्ड्स हैं उन वर्ड्स को आप ध्यान रखेंगे, वो इंग्लिश और हिंदी में ऐसे लिख के दे देता है. जैसे कि अगर मैं बात करूं आपका मैटरनल, इस तरीके से हिंदी में दे देता है मैटरनल लिख के, वैसे इंग्लिश का वर्ड है ये आपका मैटरनल.
मैटरनल का मतलब क्या होता है? मातृत्व, और एक वर्ड आपका होता है पैटर्नल, इसको इंग्लिश में कहते हैं क्या, सॉरी हिंदी में कहते हैं पितृत्व, मातृत्व पितृत्व, ठीक है, मैटरनल पैटर्नल, यानी कि मम्मी की तरफ के रिश्तों के साथ तो वर्ड यूज होता है मैटरनल, एम से मम्मी और पी से पापा, और पापा के साइड के रिश्तों के साथ वर्ड यूज होता है पैटर्नल, ठीक है। जैसे कि अगर आपका आ गया मैटरनल आंट या मैटरनल आंटी, तो सीधा सा अर्थ निकलेगा मौसी, ठीक, उसमें फिर कोई ये नहीं कि बुआ हो जाए, आंटी का अर्थ बुआ मामी चाची सब होता है, लेकिन अगर मैटरनल आंटी लिखा हुआ है तो उसका सीधा सा हिंदी में अर्थ मौसी निकलेगा, ठीक। अगर पैटर्नल आंटी लिखा हुआ है, पैटर्नल आंट करके लिखा हुआ है इस तरीके से, पैटर्नल आंट, तो इसका मतलब क्या होगा? बुआ। फिर इसका कोई चाची या ताई या फिर मौसी या मामी नहीं निकलेगा, सीधा सा निकलेगा इसका एक वर्ड में आंसर, वो क्या निकलेगा? बुआ। मैटरनल आंटी मौसी, ठीक है, मम्मी की तरफ के साथ ये पापा के, कहीं कहीं लिखा था मैटरनल ग्रैंड मदर, इंग्लिश में लिख के दे देता है, तो मैटरनल ग्रैंड मदर मतलब नानी, और पैटर्नल ग्रैंड मदर मतलब दादी, ठीक है। ये आपने वर्ड देखे होंगे, अगर जो प्रैक्टिस सेट रेगुलर पढ़ाई के टच में रहते हैं, नए नए प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, ठीक। उसके बाद एक वर्ड आपका इंग्लिश में आता है नेफ्यू, इसको हिंदी में भी नेफ्यू कहेंगे, लिख के दे देता है, तो नेफ्यू का अर्थ क्या हो गया? भतीजा या भांजा, भतीजा या भांजा दोनों के लिए इंग्लिश में वर्ड यूज होता है नेफ्यू। और एक वर्ड आता है आपका इंग्लिश में नीस, भतीजी या भांजी के लिए होता है, ठीक है। एक आपका वर्ड आएगा कजिन, कजिन मतलब रिलेशन में आपके जितने भी भाई या बहन हैं उनके लिए, सबके लिए वर्ड यूज हो जाता है इंग्लिश में कजिन, कहीं कहीं हिंदी में ऐसे भी लिख के दे देता है, अब हम लोग सोचते हैं कि अब आंसर क्या है। अगर आपका आंसर चचेरा भाई, वो मेरा दहेरा, कुबेरा वो मेरी बहन, दहेरी बहन कुछ भी आ रहा है, तो आप उसका आंसर क्या लगाएंगे? कजिन। कजिन हमेशा अकेले ही आएगा, ये नहीं कि कजिन के साथ ब्रदर यूज करें आप, सिस्टर यूज करें, जब हम इंट्रोड्यूस कराते हैं किसी को अपने, जैसे मेरा भाई आया हुआ है तो उसे इंट्रोड्यूस कराते हैं, ये इसमें कजिन ब्रदर, तो वहां ब्रदर नहीं लगेगा। इंग्लिश में आप पढ़ेंगे इस चीज को, स्पॉटिंग द एरर में अगर इस तरीके का आता है कजिन के साथ ब्रदर या सिस्टर लगा हुआ, तो एरर है, कजिन हमेशा इस तरीके से होता है। अगर आप इंट्रोडक्शन किसी का दे रहे हैं, जैसे मेरा भाई है, तो या तो हिंदी में कह दो कि मेरा वो मेरा भाई, अगर आप इंग्लिश यूज कर रहे हो तो ये कहेंगे सिर्फ he is my cousin, उसके साथ ब्रदर लगाना है और ना सिस्टर, अगर वो मेरी बहन है तो she is my cousin, ठीक है, इस तरीके से यूज किया जाता है ये cousin word। उसके बाद अगर बात की जाए, एक वर्ड आपका इंग्लिश में आता है siblings, एक वर्ड आपका आता है siblings, ठीक है, सिब्लिंग्स का अर्थ होता है, ये सिब्लिंग्स वो वाला नहीं है कि शंकर जी वाला सिब्लिंग समझ लो, ये है आपका सगे भाई बहन, सगे भाई बहन के लिए यूज होता है इंग्लिश में सिब्लिंग, और कहीं कहीं पे उसमें स्पाउस करके भी लिख देता है, तो ये पति पत्नी के पेयर के लिए, जैसे दंपत्ति कहते हैं ना हिंदी में, और इंग्लिश में कहता है स्पाउस, तो ये इंग्लिश में भी लिख के दे देता है कभी कभी, हिंदी वाले उसमें पेपर में ऐसे लिख के दे देता है, तो ये पता होनी चाहिए हमें, ठीक है। ये हमारा बेसिक था, ये चित्र बनाने का तरीका, एक बार फिर से समझ लो, अपने आप को जैसे तुमने यहाँ कंसिडर किया, एक पीढ़ी बड़ों को ऊपर शो करना है, छोटों को नीचे, सेम जनरेशन के बराबर, मेल को प्लस से और फीमेल को माइनस, ठीक है, ये इस टॉपिक का यहाँ पे बेसिक था, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ये कुछ वर्ड थे, उनको ध्यान में रखना है आपको कि किस तरीके से यूज होते हैं, और एग्जाम में किस तरीके से हमको गुमराह नहीं होना कि ये वर्ड क्या था, सिब्लिंग्स क्या था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसके बेसिक की ही ओर अभी देखो, जब आप क्वेश्चन टाइप फर्स्ट के सॉल्व करते हो, तो सॉल्व करने के बाद जैसे कि आपका उन दोनों का जिनका आपस में रिलेशन पूछा गया है, तो उन दोनों का रिलेशन निकल के आया क्या? मामा भांजा। क्या निकल के आया? मामा भांजा। मामा भी ऑप्शन में है, भांजा भी ऑप्शन में है, अब कंफ्यूजन ये रहता है कि मामा लगाऊं ऑप्शन की भांजा लगाऊं, सबसे बड़ी दिक्कत रहती है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, कुछ लाइनें मैं लिख रहा हूँ, लाइनों को आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि इस तरीके से लास्ट में लाइनें लिखी होती हैं, ए बी से किस
प्रकार संबंधित है। ए का बी से क्या रिश्ता है या क्या संबंध है? ए बी का कौन है या क्या लगता है? ए बी का आपस में क्या संबंध है? ए से बी का क्या संबंध है? ये इस तरीके की चार पांच लाइनें आपको लास्ट में देखने को मिलेगी। कभी गलत मत करना, इन लाइनों को समझ लोगे तो कभी गलत नहीं करके आओगे। ए बी से किस प्रकार संबंधित है तो क्वेश्चन मार्क किस करेगा ए पे, यानी ए के बारे में बताना है कि ये ए बी का क्या है या क्या लगता है। ठीक है, ए का बी से क्या रिश्ता है? ए का बी से क्या रिश्ता है तो क्वेश्चन मार्क किस पे आएगा? ए पे आएगा। ए बी का कौन है क्या लगता है तो क्वेश्चन मार्क किस पे आएगा? ए पे। ए बी का आपस में क्या संबंध है? तो जब भी यहाँ पे वर्ड आ जाए आपस में, तो जैसे अगर आपका आंसर निकल के आया मामा भांजे का, तो ऑप्शन में एक साथ लिखे होंगे दोनों, मामा भांजे एक में लिखा होगा पिता पुत्र, एक में लिखा होगा माता पुत्र, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मामा भांजा। ठीक है, जब भी आपस में वर्ड आता है। लेकिन अब इस लाइन को ध्यान से समझना, ए से बी का क्या संबंध है? तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ए पे नहीं, यहाँ पे बी पे आएगा, इस बी के बारे में बताना है। अब आपके ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर ये छोटी छोटी बातें क्लियर हो गई ना तो 100% क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। प्रॉब्लम ये रहती है कि हमारे जो क्वेश्चन है वो 100% सही नहीं हो पाते। अब 100% सही नहीं हो पाते तो कारण उसका ये बेसिक क्लियर नहीं है। अब बेसिक अगर एक बार क्लियर है तो आपके 100% क्वेश्चन सही होंगे। इन लाइनों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। नोट करते चलना, साथ साथ नोट्स बनाते चलेंगे। आपको कहीं ऑफलाइन कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी रीजनिंग के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आपने एक चीज देखी होगी, क्या ये सारी लाइनें तो क्लियर हो गई। उसके बाद जो रिलेशन होते हैं, जो रिलेशनशिप है, उनको लिखाने की तो जरूरत नहीं है। जैसे कि पिता के पिता क्या लगते हैं? दादा लगते हैं। माता के पिता क्या लगते हैं? नाना। वो सब आपको पता होगा, उसको उसमें लिखा के मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा आपका। बस एक जो टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन में जिसमें प्रॉब्लम आती है वो क्वेश्चन को मैं यहाँ बता रहा हूँ। उस क्वेश्चन को देखते ही आप आंसर लगाओगे कैसे। जैसे कहीं कहीं पे इस तरीके की लाइन लिखी होती है, उसका पिता मेरे पिता का इकलौता पुत्र है। ठीक है, और एक लाइन इस तरीके से आएगी, उसकी माता मेरी माता की इकलौती पुत्री है। ठीक है, ये दोनों लाइनें, और इसी क्वेश्चन में टाइप फर्स्ट के सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। देखो इन दोनों लाइनों को ध्यान से देखना, उसका पिता मेरे पिता का इकलौता पुत्र है, तो जिसकी तरफ इशारा हो रहा है या जिसकी तस्वीर की ओर इशारा हो रहा है, अगर वो तस्वीर पुरुष की है तो यहाँ पे आंसर निकल के आएगा क्या? पिता और पुत्र का। लेकिन अगर तस्वीर या इशारा जो किया जा रहा है वो किसी लड़की की ओर या महिला की ओर किया जा रहा है तो आंसर आ जाएगा पिता और पुत्री का। अब देखना यह है कि पूछा किसके बारे में जा रहा है, वो लास्ट की लाइन जो अभी मैंने चार लाइन पांच लाइन लिखाई थी उसको देखना पड़ेगा। ठीक है, आंसर यही निकल के आएगा, चेंज नहीं होगा। उसके बाद उसकी माता मेरी माता की इकलौती पुत्री है, अगर तस्वीर महिला की है तो आंसर आ जाएगा क्या? माता और पुत्री का रिलेशन आ जाएगा। लेकिन अगर तस्वीर जो है वो लड़की की है या पुरुष की है तो आंसर आपका आ जाएगा माता और पुत्र का। ठीक है, लास्ट में देखना होगा कि पूछा किसके बारे में जा रहा है। अभी जब मैं इसके क्वेश्चन लगाऊंगा ना तो ये दोनों लाइनें क्लियर होती चली जाएंगी और टाइप फर्स्ट के सारे क्वेश्चन क्लियर होते हुए चले जाएंगे। और ये भी मैं मौखिक रूप से भी क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा और डायग्राम के द्वारा भी सॉल्व कराऊंगा। देखना जिसमें आपको कम्फर्ट लगे, जिसमें ईजी लगे उसको सॉल्व करना। अब मैं इसके क्वेश्चन आपको लगा देता हूँ जिससे ये टॉपिक आपको जो टाइप फर्स्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। चलो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन है,
ये मैंने आपके बोर्ड पे लगा दिए हैं, स्क्रीनशॉट ले लें, पहले खुद से प्रयास करें, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चंस। आइए, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कौन कह रहा है, एक महिला कह रही है, क्या उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। देखो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपसे ये चीज बताई, अभी बताया था वीडियो में, इस तरीके की जहां भी लाइन लिखी है कुछ नहीं करना आपको, बस ये देखना है इशारा किसकी, एक आदमी की ओर तरफ कर रही, कौन कर रही, एक महिला, ठीक है। इसको मैं मौखिक रूप से ही बता रहा हूँ, चित्र से भी, एक आदमी है, इस आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला कह रही है कि इस व्यक्ति की, इस आदमी की जो माँ है तो एक पीढ़ी ऊपर होगी और माइनस से शो करेंगे, वह मेरी, जहां से मेरी वर्ड स्टार्ट हुआ है मेरी, ये बात किसकी है, ये बात कौन कह रही है, महिला, इस महिला की माँ की इकलौती पुत्री है, इस आदमी की माँ महिला की माँ की इकलौती पुत्री है। तो इस महिला की माँ के हमने दो पुत्री शो कर दी, और जबकि सवाल में क्या कह रहा है, वो इकलौती, तो इसका मतलब ये महिला और ये जो है ये सेम ही है, एक ही है, और जब ये इस आदमी की माँ है तो ये महिला क्या होगी, इस आदमी की माँ ही होगी, क्योंकि ये एक ही है, इकलौती है। तो रिलेशन क्या निकल के आ गया, रिलेशन निकल के आ गया माता और पुत्र का, पूछा क्या है, तो वह महिला, क्वेश्चन मार्क किस पे आएगा, उस महिला पे, कि वह महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है, तो महिला उस आदमी की क्या हो गई, माँ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आया, ये चित्र से हो गया। आप देखो 2 सेकंड के अंदर आंसर, अगर 2 लाइनें आपने जो वीडियो में भी मैंने बताई है उसको ध्यान में रखोगे, इस लाइन को पढ़ लो सीधा, उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, जहाँ भी ये लाइन है इशारा किसकी तरफ हो रहा है, आदमी की, तो आदमी की तरफ इशारा होगा, आंसर क्या निकल के आएगा, माता और पुत्र का निकल के आएगा। अब पूछा क्या है, पूछा किसके बारे में जा रहा है, महिला के, तो महिला कौन है, उस पुरुष की माता, सीधे आंसर लगाओगे, चित्र की कोई जरूरत नहीं है, बस इन लाइनों को ध्यान रखना है। समझ में आ रहा है कि नहीं, 2 सेकंड भी नहीं लगे तुरंत आंसर इस लाइन को, इसलिए मैंने 2 लाइन बताई, और इसी टाइप के क्वेश्चन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लगती है टाइप फर्स्ट में, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं, गोपाल ने गोविंद की ओर इशारा किया, किसकी तरफ इशारा हो रहा है, लिख लो, ये सवाल आपका पहला क्लियर हो गया, इसको मैं हटा देता हूँ जिससे अच्छे से क्लियर हो जाए सेकंड वाला। और गोपाल ने गोविंद की ओर इशारा किया, ये हो गया जी गोविंद, इसकी तरफ इशारा करते हुए गोपाल कह रहा है, क्या कह रहा है, इसका पिता मेरे पिता का इकलौता पुत्र, वही लाइन लौट के आ गई अभी बताई थी मैंने वीडियो में, कि इस गोपाल, गोविंद का जो पिता है वो गोपाल के पिता का इकलौता पुत्र है, तो इसका पिता एक पीढ़ी ऊपर शो करेंगे, प्लस से इंडिकेट करेंगे, गोपाल का पिता है तो एक पीढ़ी ऊपर शो होगा, प्लस से इंडिकेट होगा, इस गोविंद का पिता गोपाल के पिता का इकलौता पुत्र, अब गोपाल के पिता के हमने दो पुत्र शो कर रखे हैं, और जबकि वो कह रहा है इकलौता पुत्र, तो इसका मतलब ये व्यक्ति और ये व्यक्ति एक ही है, इनके बीच में ये दो व्यक्ति नहीं है, तो जब ये व्यक्ति इसका पिता है, यानी ये व्यक्ति कौन है, गोपाल ही तो है, तो गोविंद क्या हो, सॉरी गोपाल क्या हो गया, गोविंद का पिता, चित्र से बता रहा। तो अब पूछा गया गोपाल का गोविंद से, तो गोपाल गोविंद का क्या है, पिता आ रहा है कि नहीं आ रहा, आंसर क्या हो गया इसका, पिता, ये चित्र से मैंने बता दिया। अब बिना चित्र के देखो, 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे, सीधी लाइन ध्यान रखो, इसका पिता मेरे पिता का इकलौता पुत्र है, तो आंसर क्या आएगा, पिता या पुत्री ही आएगा, बोलो, अभी मैंने वीडियो में 2 लाइन इसीलिए लिखाई थी आपको। अब ये देख लो कि पूछा किसके बारे में जा रहा है, गोपाल का गोविंद से, गोपाल का गोविंद से इशारा किसके, कौन कर रहा था, गोपाल कर रहा था, इसकी तरफ गोविंद की ओर, कि गोविंद का जो पिता है मेरे पिता का इकलौता पुत्र है, तो गोपाल गोविंद का कौन हो गया, पिता हो गया, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी, इस लाइन को ध्यान रखो, बस आंसर पिता पुत्र ही निकल के आएगा, बस ध्यान ये रखना कि पूछा किसके बारे में, अगर ये पूछा जाता गोविंद का गोपाल से क्या संबंध है, तो आंसर क्या हो जाता आपका, आंसर हो जाता पुत्र यानी कि बेटा, लेकिन पूछा किसके बारे में, गोपाल के, इसलिए आंसर क्या है, ठीक, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलो जी अगला सवाल पढ़ते हैं, अगला सवाल काफी इंटरेस्टिंग है, एक आदमी ने एक महिला से कहा, एक आदमी है, इस तरीके से हमने इसको शुरू कर लिया, एक आदमी है और वो किससे कह रहा है, महिला से कह रहा है, ये महिला है, एक आदमी इस महिला से कह रहा है, क्या कह रहा है जी, आपके भाई, यानी इस महिला के भाई,
ईमान टुकड़ा कर रहा। एक आदमी किससे कह रहा था, इस महिला से कह रहा था, हमने इस तरीके से सुगढ़ लिया कि आपके भाई का जो इकलौता लड़का है। चित्र बनाना सीखो, महिला का भाई सेम डेफिनेशन का होगा तो बराबर में आएगा, प्लस से शो करेंगे। अब इसका पुत्र तो एक पीढ़ी नीचे आएगा, प्लस से शो होगा, ठीक है। तो इस महिला का भाई का एक मात्र लड़का अब उस आदमी से कैसे रिलेटेड है, वो क्या हुआ है कि मेरी मेरी वर्ड किसके लिए है, जो आदमी कह रहा था, मेरी पत्नी का भाई है। इस महिला के भाई का इकलौता पुत्र जो है वो, अब यहाँ पे उस आदमी को शो कर लो, आदमी की पत्नी। मैंने बताया था अभी, अगर आपने वीडियो को अच्छे से बिना स्किप किए देखा है, पति पत्नी के रिलेशन को डबल लाइन से करते हैं, तो इस आदमी की पत्नी का भाई भाई है तो सेम जनरेशन का चित्र बन गया अच्छे से। अगर और भी करना चाहते हो और कर लो, चित्र से आपको आसान लग रहा है चित्र से कर लो। महिला के भाई का इकलौता, अभी और भी मौखिक से ही बताऊंगा, महिला के भाई का इकलौता जो पुत्र है वो आदमी की पत्नी का भाई है। तब अब सवाल में क्या पूछा है, तो पूछा ये है तो वह महिला, क्वेश्चन मार्क किस पे आएगा, इस महिला पे। इस महिला को बताना है कि ये महिला उस आदमी की पत्नी से, आदमी से नहीं, किससे, आदमी की पत्नी से, यानी कि यहाँ से यहाँ पढ़ना है, इधर को पढ़ना है कि ये महिला इस आदमी की पत्नी की कौन, आदमी से नहीं पूछा है, आदमी की पत्नी से पूछा है, ठीक है। चलो दर्शन इस पर देखते चलते हैं। ये इसका भाई और ये इसका पिता, तो जब ये इसका, ये जो है ये व्यक्ति इसका पिता है, तो ये इसका भी क्या होगा, पिता ही होगा, होगा कि नहीं होगा, बोलो। जब ये इसका भाई है तो, और ये इसकी क्या है, बहन, क्यों, जब ये इसका भाई है तो इसकी बहन नहीं होगी, जब महिला है तो, ठीक है। तो ये इसका पिता है और ये इसकी बहन है, पिता की बहन कौन होती है, बुआ होती है, यही हमसे पूछा था, तो यही हमारे सवाल का उत्तर हो गया, आंसर क्या हो गया, बुआ। अगर इसको मौखिक रूप से करना चाह रहे हैं तो ये देखो, एक आदमी ने एक महिला से कह रहा है, आदमी जो है वो महिला से कह रहा है कि आपके भाई का एक मातपुत्र, भाई का पुत्र कौन होता है, भतीजा, यानी कि आपका जो भतीजा है वो मेरा साला है, आपका जो भतीजा है वो मेरा साला है, यही तो कह रहा है पत्नी का भाई साला। अब जब उस आदमी का, सॉरी उस महिला का जो भतीजा है उस आदमी का साला हो गया, ठीक है, पूछा गया है तो वह महिला उस आदमी की पत्नी से, तो आदमी की पत्नी भी उसकी क्या होगी, भतीजी होगी। जब उसका साला उसका भतीजा है तो उसकी पत्नी क्या होगी, उसकी भतीजी होगी, भतीजी होगी। तो महिला को पूछ रहा है, ये नहीं पूछा कि उसकी पत्नी किस तरह की संबंधित है, महिला को पूछा है, तो महिला उसकी क्या होगी, बुआ होगी। ऐसे इसको आप ऑरली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ऑरली में समय लग रहा है तुरंत चित्र बना लो, चित्र बनाने का तरीका मैंने बताया, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवालों की ओर, चलिए जी बढ़ते हैं अगले सवालों की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके बोर्ड पे लगा दिए हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, पहले खुद से बनाने का प्रयास करें। चलो जी आते हैं क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। स्टेज पर एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, तो देखो इसको पहले मैं चित्र से बताऊंगा फिर ऑरली बताऊंगा, दोनों तरीकों से बताऊंगा, बस कॉन्सेप्ट मैं यहाँ क्लियर करा रहा हूँ। क्वेश्चन कम हो रहे हैं ये मुझे भी पता है, लेकिन जो भी आपके पास प्रैक्टिस सेट या बुक हो उसमें से क्वेश्चन जरूर बना के देखें, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। आती भी है तो कमेंट करें। स्टेज पर एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, एक आदमी है उस पे इशारा करते हुए, ये मान लिया इस आदमी एक स्टेज पे खड़ा हुआ है, ठीक है, स्टेज पे एक आदमी खड़ा हुआ है, एज्यूम कर लो कि एक सामने स्टेज है उस पे एक आदमी खड़ा हुआ है, उसकी तो तरफ इशारा करते हुए, उसकी ओर इशारा करते हुए एक महिला क्या कह रही है कि वह जो आदमी है, जहां से मेरे वर्ड स्टार्ट होता है ना, यहां से इस लाइन को पढ़ा करो, ठीक है। मेरे वर्ड किसके लिए आया, बात कौन कह रही थी, महिला कह रही थी, तो ये मेरे वर्ड किस लिए आया, इस महिला के लिए आया है, क्या कि मेरे यानी कि महिला के पति की पत्नी, मेरे पति की पत्नी, तो इस महिला के पति की पत्नी कौन होगी, वो खुद होगी, की पुत्री यानी कि इस महिला की बेटी का भाई है, जो स्टेज पे आदमी खड़ा हुआ है वह इस महिला के पति की पत्नी यानी कि वो स्वयं हो गई की पुत्री का भाई है, तो ये इसकी पुत्री और ये इसका भाई, तो ये इसका क्या हो गया, बेटा। तो आपस में दोनों का संबंध क्या आ गया, माँ और बेटे का आ गया। पूछा क्या है वो देखते हैं, तब उस महिला के पिता का, तो इस महिला के पिता, एक पीढ़ी ऊपर और प्लस से शो करेंगे, तो इस महिला के पिता का इस आदमी से संबंध पूछा है, तो ये इसकी महिला, ये इसकी क्या है, महिला, माँ, और ये इसके पिता, तो माँ के पिता कौन होते हैं, नाना, तो आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर 3।
अगर इसको मौखिक रूप से समझो, स्टेज पर एक आदमी खड़ा हुआ है, उसको एज्यूम कर लो, स्टेज पे एक आदमी खड़ा हुआ है और वो महिला कह रही है कि मेरे पति की पत्नी, तो उसके पति की पत्नी उस महिला के पति की पत्नी कौन होगी? वो स्वयं होगी कि पुत्री, यानी कि उसकी बेटी का भाई, तो उसकी बेटी का भाई उसका क्या हुआ? बेटा। ठीक है, तो आपस में उन दोनों का महिला और आदमी का संबंध क्या आया? पिता, सॉरी, बेटे और माँ का, माँ और बेटे का। पूछा क्या है कि महिला की महिला के पिता का उस आदमी से, तो वो महिला उस आदमी कौन आई है? माँ। और माँ के पिता कौन होते हैं? नाना। तो सीधा सा आंसर क्या हो गया? नाना। ये मौखिक रूप से हो गया, ये चित्र के द्वारा। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं, अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगला सवाल देखते हैं, अगला क्या सवाल है आपका? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका? एक स्त्री की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष कहता है, एक स्त्री की ओर इशारा करते हुए कौन कह रहा है? पुरुष कह रहा है। क्या? कि वह जो स्त्री है, जहां से मेरे वर्ड स्टार्ट हुआ ना, मेरे वर्ड किसके लिए आया? इस पुरुष के लिए, पुरुष ही तो कह रहा है, यहां से शुरू कर दो। तो ये पुरुष कह रहा है क्या? कि मेरे इकलौते पुत्र, तो इस पुरुष का इकलौता पुत्र के पिता, यानी कि खुद हो गया, इस पुरुष के इकलौते पुत्र का पिता ही खुद ही तो हो गया, की पत्नी, यानी कि इस पुरुष की पत्नी की सास है। कौन? वह स्त्री, इस पुरुष की पत्नी की सास, तो यानी कि इस पुरुष की कौन हो गई? ये माँ हो गई इस पुरुष की। यहाँ पे अब देखो ध्यान से कि वह, यानी इस स्त्री की बात चल रही थी, कि ये जो स्त्री है कौन है? मेरे इकलौते पुत्र, इस पुरुष के इकलौते पुत्र के पिता कौन हो गए? वो खुद हो गए कि पत्नी की सास, यानी कि इसके पति की माँ तो सास कहलाएगी, बोलो। ठीक है, अब पूछा क्या है? पूछा ये है, तो उस स्त्री का पुरुष से क्या संबंध है? तो ये स्त्री इस पुरुष की कौन हो गई? माँ हो गई, क्योंकि पत्नी की सास कौन होती है? पत्नी की सास माई तो होती है। तो ये स्त्री इस पुरुष की क्या हो गई? माँ। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन है पुत्री, पत्नी, पुत्रवधू, भाभी, और चौथा जो पांचवा ऑप्शन है ननदी, इनमें से कोई नहीं। बैंकिंग में पूछा सवाल है क्योंकि उसमें पांच ऑप्शन आते हैं आपके, आंसर क्या हो गया? इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि वो स्त्री इस पुरुष की क्या है? माँ, और वो किसी ऑप्शन में है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो काफी इंटरेस्टिंग है आपका। एक आदमी व एक महिला कहीं जा रहे थे और रास्ते में एक व्यक्ति उनसे मिलता है और उसने उस आदमी से पूछा कि यह महिला कौन है। तब आदमी ने उत्तर दिया कि इसके ससुर मेरे ससुर के पिता है। तब उस महिला का आदमी से क्या संबंध है? अब उस रास्ते वाले जो व्यक्ति है उसे भी बड़ी पंचायत थी कि कौन है क्या नहीं, तो वो भी आदमी चला भैया सीधा सीधा उसने नहीं बताया कि कौन है महिला, उसने ऐसे कह दिया इसके ससुर मेरे ससुर के पिता है। अब यही क्वेश्चन होते हैं प्रेजेंटेशन टाइप फर्स्ट के, वो सीधे सीधे नहीं बताएगा, सीधे सीधे बताने पे क्वेश्चन बनेंगे क्या? तो ये आपको तिगड़म लड़ानी है, इसमें क्या आंसर आना है इसमें। देखो, एक आदमी एक महिला कहीं जा रहे थे, अब उत्तर क्या दिया उस आदमी ने कि इसके ससुर, यानी कि इस महिला के ससुर, यानी कि महिला के पति के पिता, इसके क्या कहलाएंगे? ससुर कहलाएंगे, कहलाएंगे कि नहीं? और इसके जो ससुर है मेरे ससुर के पिता, मेरे ससुर के पिता है, तो ये जो इसके ससुर है ये इसके तो पिता है, तो इसको जो है ससुर बना दो, किसका? उस आदमी का। कैसे? इसकी पुत्री और वह ही आदमी हो गया। अब देखो संबंध वही बन के आया कि नहीं आया, कि उसने यही तो उत्तर दिया था, उसने उत्तर क्या दिया? इस महिला के जो ससुर हैं वो आदमी के, यानी उस आदमी के ससुर पत्नी के पिता क्या होते हैं? ससुर ही तो होते हैं। अब देखो ध्यान से, इस महिला के ससुर और इस आदमी के ससुर है नहीं है, इस महिला के ससुर पिता है इस आदमी के ससुर के। ठीक, अब पूछा गया था तब उस महिला का, तो क्वेश्चन मार्क किस पे आ जाएगा? इस महिला पे, ये महिला जो है इस आदमी की कौन है? तो ये इसकी पत्नी और ये इसके पिता, तो यानी कि ये इसके ससुर है, ससुर की पत्नी कौन होती है? सासुमा। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल था ये, और ये पूछा भी था मुझे से एक बार किसी ने, तो बहुत अच्छा सवाल था, आपको भी अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है।
ठीक है। तो ये आपका टाइप फर्स्ट है, कुछ क्वेश्चंस मैंने कराने का प्रयास किया है, कुछ आप अपने आप से बना के देखें, कोई समस्या नहीं आएगी। और क्वेश्चन सीरीज जैसे कि मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ, क्वेश्चन सीरीज जब मैं ले लिया हूँ तब कोई और दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, मिलते हैं ऐसी अच्छी वीडियो में इसके सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।